इंदौर की सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने ऐसे 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो कि एक पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने धारदार हथियार, तलवार, चाकू, छुरे, गुप्ती, आरी, हथौड़ी, लोहे का सरिया आदि जब्त कर पूछताछ शुरू कर दी है। डकैती डालने से पहले पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश, पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की बना रहे थे योजना। दरअसल इंदौर की सेंट्रल कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के महाराजा कॉम्प्लेक्स की तलघर पार्किंग में 5 हथियारबंद बदमाश पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे। थाना प्रभारी अशोक पाटीदार द्वारा तुरंत 3 टीमें तैयार कर दबिश दी गई और मौके से 5 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से एक तलवार, चाकू, छुरा, गुप्ती, आरी, हथौड़ी, लोहे का सरिया, ताला, शटर काटने की टॉमी जैसे हथियार जब्त किए गए। वहीं पकड़े गए आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना नाम रोहन बोरासी, शुभम उर्फ बम, मनीष व नीलेश होना बताया। पकड़े गए आरोपी से पुलिस अन्य मामलों में भी पूछताछ की जा रही है। कल मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि महाराजा कॉम्प्लेक्स की पार्किंग के तलघर में 5 व्यक्ति बैठकर शराब पी रहे हैं और किसी अपराध को घटित करने की योजना बना रहे हैं। इसकी तस्दीक पर पुलिस स्टाफ मौजूद हुआ, वहां देखा। उसके बाद जो 5 लोगों की अरेस्टिंग की गई है, उनके पास से एक तलवार और सरी लोहे की सरिया और ताला तोड़ शटर का ताला तोड़ने के औजार प्राप्त हुए हैं। जो जिनसे पूछताछ के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 6 के सामने पेट्रोल पंप है, इसको लूटने की योजना बना रहे थे। ये जो 5 आरोपी हैं सभी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इनका पूर्व भी जो आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया गया है, सभी के 6-6, 7, किसी के 11 अपराध हैं। और हथियार कहां से लेकर पूछताछ में क्या सामने इनके पास से वही मौजूद उस जिस समय अरेस्टिंग की गई थी वहीं पास से महाराजा कॉम्प्लेक्स की जो पार्किंग है उसके तलघर से ही इनके पास से ही हथियार जब्त किए गए हैं, जिसमें एक तलवार है, लोहे का तलवार है और शटर ताला जो तोड़ने का औजार है वो प्राप्त हुआ है, हथौड़ी प्राप्त हुई है, एक लकड़ी का डंडा प्राप्त हुआ है और चाकू भी जब्त हुआ है। जी बिल्कुल, ये सारे इनके खिलाफ पूर्व में भी जो कार्रवाई की गई है और अभी भी वर्तमान में भी कल दौरान जो जब्ती के समय देखा गया था तो ये लोग ड्रिंक कर रहे थे और इनका हाथ भी कटा हुआ है, जिसे ये संदेह होता है कि ये लोग पाउडर के नशेड़ी हैं। जी, मैं उप निरीक्षक अनुराधा लोधी थाना सेंट्रल कोतवाली से।